नमस्कार मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि भाग्य और कर्म दोनों ही हमारे जीवन की दशा और दिशा निर्धारित करते हैं। ये दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। और ऐसा कौन है जो अमीर होना नहीं चाहता? ऐसा भला कौन है जो अपने जीवन में सभी प्रकार के सुख नहीं चाहता? क्योंकि हर इंसान की यही ख्वाहिश होती है। मित्रों, कहा जाता है जो इंसान मेहनत करता है वही सफल होता है। तरक्की के लिए मेहनत तो करनी ही होती है। वैसे मेहनत के साथ साथ एक और चीज भी है जिसकी आवश्यकता मनुष्य को होती है, और वो है किस्मत। जी हाँ मित्रों, जब मेहनत और भाग्य दोनों का समागम होता है तभी सफलता कदम चूमती है। ये बात बिल्कुल सच है, क्योंकि एक मजदूर जो सारा दिन परिश्रम करता है वह करोड़पति बन जाता है इस तरह से। इसी प्रकार से वास्तु का भी अपना एक महत्व होता है। मित्रों, जिस जगह पर हम अपना अधिक से अधिक समय व्यतीत करते हैं उस जगह का हमारी आर्थिक स्थिति पर भी प्रभाव पड़ता है। हमारी कुछ सामान्य सी दिखने वाली गतिविधियों से भी हमारे जीवन में अप्रत्यक्ष बदलाव होते रहते हैं। तो आज हम ऐसी ही कुछ गलतियों के बारे में बताएंगे जिनके कारण घर में दरिद्रता बनी रहती है। अक्सर महिलाएं ऐसी ही गलतियों को कर बैठती हैं जिसके कारण घर की आर्थिक स्थिति पर बुरा प्रभाव पड़ता है। ऐसी वो गलतियां कौन सी हैं जिनसे घर में दरिद्रता का वास होता है, ये जानने के लिए बने रहें वीडियो में अंत तक। मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कृपया आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और रोजाना इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए। अब चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। नंबर एक, तन और मन की पवित्रता का ध्यान। मित्रों, घर में अधिकांश लोग ईश्वर की आराधना और पूजा पाठ करते ही हैं, परंतु इनमें होने वाली कुछ गलतियों को नज़रअंदाज कर देते हैं। इन गलतियों के कारण उनकी पूजा का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। पूजा करते समय तन और मन की पवित्रता का विशेष ध्यान रखना होता है। मांसाहार या मद्यपान या फिर पान गुटखा आदि खाने के बाद पूजा करने से ईश्वर नाराज हो जाते हैं, क्योंकि यह एक पाप होता है। ठीक इसी प्रकार यदि आप कोई धर्म ग्रंथ आदि पढ़ रहे हैं तो भी पवित्रता और शुद्धता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। भगवान के सामने रखे दिए को फूंक मारकर बुझाना और भगवान के लिए प्रसाद को सूंघकर या चखकर रखना, ऐसे कार्य से भी दरिद्रता का श्राप लगता है। नंबर दो, नाखून को बेवजह इधर उधर फेंकना। मित्रों, नाखून जैसी सामान्य सी लगने वाली बातें भी हमारे जीवन में दुख और दरिद्रता का कारण बन सकती हैं। रात को नाखून काटना, नाखून कुतरना और नाखून काटकर घर में इधर उधर फेंकना वास्तुशास्त्र के दृष्टिकोण से गलत है। ऐसा करने से राहु और केतु हमारी ओर आकर्षित होते हैं। ये हमारे जीवन पर अपना दुष्प्रभाव डालते हैं। इसी कारण से हमारी आर्थिक स्थिति भी प्रभावित होती है। नंबर तीन, घर के बाहर कचरा इकट्ठा होने देना। मित्रों, हमेशा याद रखें कि अपने घर के मुख्य द्वार के बाहर या आसपास कचरा इकट्ठा ना होने दें। अपने घर का मुख्य द्वार सदैव माता लक्ष्मी के आगमन के लिए तैयार रखना चाहिए। कचरा और गंदगी देखकर माता लक्ष्मी आपके द्वार से ही वापस लौट जाती हैं। ऐसा करने से दरिद्रता का आपके घर में प्रवेश हो जाता है। नंबर चार, चौखट का अपमान करना। मित्रों, घर के मुख्य द्वार के साथ साथ घर की दहलीज या मुख्य चौखट का भी अपना एक विशेष महत्व होता है। घर के मुख्य द्वार की चौखट पर बैठना, उस पर पैर रखकर निकलना या उस पर बैठकर भोजन करना निश्चित रूप से दरिद्रता को आमंत्रित करता है। पुरानी मान्यताओं के अनुसार ऐसे भवन जिनमें चौखट या दहलीज ना हो उसे बड़ा ही अशुभ माना जाता था। ऐसे घरों में माँ लक्ष्मी कभी प्रवेश नहीं करती हैं। तो मित्रों, ये वो कारण हैं जिनसे घर में दरिद्रता आती है। यदि आपको हमारे द्वारा दी हुई यह जानकारी पसंद आई हो तो इसे अपने तक ही सीमित ना रखें और अपने मित्रों के साथ भी अवश्य शेयर करें। यदि आपके पास हमारे लिए कोई सुझाव या सलाह हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। दोस्तों, मिलते हैं एक इसी प्रकार के अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।